The four chapters of the Bible that cover the Christmas story is full of miracles and signs and wonders, and you can expect the same this year. क्रिसमस की कहानी को कवर करने के लिए बाइबल के चार अध्याय चमत्कारों और संकेतों से भरे हुए हैं, और आप इस वर्ष भी ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। There are three kind of miracles that happen. Which one is your need? Or you need all of them? तीन प्रकार के चमत्कार हुए हैं। आपकी जरूरत कौन सी है, या आपको उन सभी की जरूरत है? First kind of miracle was physical changes in the body done supernaturally. जो पहला चमत्कार हुआ, अलौकिक रूप से किए गए शरीर में शारीरिक परिवर्तन। We find that Mary conceives unnaturally, Elizabeth conceives even though she is well past her childbearing days. हम पाते हैं कि मेरी गैर स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करती है, एलिजाबेथ गर्भ धारण करती है भले ही वह अपने बच्चे पैदा करने के दिनों को पार कर चुकी है। We find that Zachariah loses his sight and then he regains it. और हम पाते हैं कि जो जकरिया है वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देता है और बाद में उसे वापस पा लेता है। There may be physical ailments in your life and Christmas is a proof that God can change your physical condition. आपके जीवन में शारीरिक रोग हो सकते हैं और क्रिसमस इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपकी शारीरिक स्थिति को बदल सकता है। Second kind of miracle was change of mind. और जो दूसरे तरीके का चमत्कार हुआ है वो मन का परिवर्तन है। Many times change of mind happens because of logic, but during Christmas time it happened because of heavenly advice. कई बार मन का परिवर्तन तर्क के कारण होता है, लेकिन क्रिसमस के समय यह स्वर्गीय सलाह के कारण होता है। An angel gives advice to Joseph to marry Mary, another time to take the baby and run to Egypt. एक स्वर्ग दूत यूसुफ को सलाह देता है कि वह मरियम से विवाह करे और दूसरी बार बच्चे को लेकर मिस्र भाग जाए। Likewise, angel warns the wise men not to return to Herod. इसी तरह स्वर्गदूत ज्योतिषियों को चेतावनी देते हैं कि वे हेरोदेस के पास ना लौटें। You might need a heavenly advice for your career, relationship, strategy and direction. You can expect the Lord to speak to you in this way that happened at original Christmas. आपको अपने करियर, रिश्ते, रणनीति और दिशा के लिए किसी दिव्य सलाह की आवश्यकता हो सकती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रभु आपसे उसी तरह से बात करे जैसे ये मूल क्रिसमस में हुआ था। Third set of miracles were signs and unusual sightings. और तीसरे तरीके के जो चमत्कार हैं वो संकेत और असामान्य दर्शन हैं। In a span of four chapters, there are so many heavenly visitations and sightings which are not there in any part of the Bible. The shepherds see a star, the wise men get led by a star, shepherds see a choir of angels singing, Mary, Zacharias, shepherds, Joseph all see an angel. चार अध्याय के लिए एक अवधि में बहुत सारे दिव्य दर्शन हुए हैं जो बाइबल के किसी भी हिस्से में नहीं हैं। चरवाहे एक तारे को देखते हैं, बुद्धिमान पुरुष एक तारे के नेतृत्व में होते हैं, चरवाहे स्वर्ग दूतों के कोरस को गाते हुए देखते हैं, मरियम, जकरिया, चरवाहे और यूसुफ सभी एक देवदूत को देखते हैं। This season, can you pray to the Lord to show you a sign or a sighting that makes a way for you? क्या इस मौसम में आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आपको कोई चिन्ह या दर्शन दिखाए जो आपके लिए रास्ता बनाता है? Father, I invite Jesus in my life. पिता, मैं अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करता हूँ। As heaven invaded earth at the birth of Jesus, I pray that you invade my life with heavenly instructions, signs and wonders and supernatural miracles. जैसा कि स्वर्ग ने यीशु के जन्म पर पृथ्वी पर हस्तक्षेप किया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन पर स्वर्गीय निर्देशों, संकेतों और चमत्कारों और अलौकिक चमत्कारों के साथ मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। I pray for my body to be 100% fit during the Christmas season. I expect changes in my body for the betterment of my health. मैं इस क्रिसमस के मौसम में अपने शरीर के 100% स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अपने शरीर में बदलाव की उम्मीद करता हूँ। I pray for new ideas and change of mind in situations where I'm stuck in a bad idea or habit or lifestyle. Change my mind, Lord, and renew it. मैं नए विचारों और उन स्थितियों में मन बदलने के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ मैं एक बुरे विचार या आदत या जीवन शैली में फंस गया हूँ। यीशु, मेरे मन को बदलो और इसे नया करो। I pray for supernatural sightings and signs this month. इस महीने में प्रार्थना करता हूँ अलौकिक दर्शन और संकेतों के लिए। I pray this in the massive name of Jesus.
मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के महान नाम में।